अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ सैयद हारिस नदीम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने टारगेट पेपर भी अपलोड कर दिए हैं साइंस के। सिर्फ बॉटनी का रहता है, बाकी साइंस के मैंने तमाम कर दिए हैं। बॉटनी और कंप्यूटर साइंस रहता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस मैं आज रात तक कर दूंगा टारगेट पेपर अपलोड। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स, बल्कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना, वो इस वजह से परेशान हैं कि MCQs कहाँ से करें। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उनके लिए बना रहा हूँ जो MCQs की वजह से परेशान हैं, चाहे वो इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट्स हों, फेलियर्स हों, या फ्रेश स्टूडेंट्स जो पेपर दे रहे हैं वो हों। तो देखिए, अभी जो पेपर्स हो रहे हैं उससे हमने यही अंदाज़ा कर लिया है, यकीनन हर स्टूडेंट ने कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेशन के मुताबिक 5 ईयर्स से अगर आप लोग MCQs की तैयारी करते हैं तो, और मॉडल पेपर देख लेते हैं, ठीक है, तो उनका जो है वो 60-70% जो MCQs हैं वो आपको पहचान में आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि आपके सॉल्व हो सकेंगे। और जो बाकी के 30-40% MCQs हैं वो आपको सॉल्व, वो आप नहीं कर सकते उनके ज़रिए सॉल्व, क्योंकि जाहिर सी बात है वो न्यू कुछ MCQs देते हैं, क्योंकि MCQs की बुनियाद पर ही हमारा पेपर ईजी आ रहा है रिड्यूस होने की वजह से। तो लिहाजा मेरा मशवरा यही है, पहला मशवरा तो यह है कि जो अच्छे से जिनकी तैयारी थी पहले से, तो वो ये कर लें कि अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके तमाम MCQs की तैयारी करें। और अगर वो टेक्स्ट बुक से तैयारी नहीं कर पा रहे, या उन्होंने अब पढ़ाई शुरू करी है, देर से शुरू करी है, या किसी भी वजह से उनकी तैयारी नहीं थी MCQs की, तो उनके लिए मशवरा यही है कि वो 5 ईयर से तैयारी करें। क्योंकि बड़े से बड़ा अगर कोई टीचर भी इस वक्त गैस पेपर बनाएगा और वो MCQs कलेक्ट करेगा तो वो 10 ईयर्स उठाता है और उसके तमाम MCQs को एक पर्चे पर लिखकर आप लोगों को दे देता है कि जी ये हैं आपके MCQs। तो अगर किसी को MCQs नहीं मिल रहे कि सर फला के MCQs नहीं मिल रहे, फला के नहीं मिल रहे, या जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है कि उनके MCQs नहीं मिल रहे उनको, तो उनके लिए मशवरा यही है कि वो 10 ईयर्स की और 5 ईयर्स के, 5 ईयर्स के भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह MCQs की तैयारी उनकी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप लोग मॉडल पेपर को देखिए, अगर मॉडल पेपर, जिन स्टूडेंट्स के मॉडल पेपर नहीं है, फॉर एग्जांपल आर्ट्स के स्टूडेंट्स के जो मॉडल पेपर हैं सिर्फ लाइब्रेरी, एजुकेशन और मेरे ख्याल में साइकोलॉजी का आया हुआ है, तो जिन स्टूडेंट्स के मॉडल पेपर नहीं है उन लोगों को परेशानी है तो वो 10 ईयर्स के मुकम्मल कर लें, ठीक है। तो एक ये मेरी राय थी। और बाकी जो जहाँ तक ताल्लुक रहा कि इम्प्रूवमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कल और परसों में, यानी कि सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी का पेपर होने वाला है इम्प्रूवमेंट का, इसी तरह से जो साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं या किसी भी इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट को ले लीजिए, उसके लिए मशवरा ये है कि वो 5 ईयर्स से तैयारी करें, लाजमी 5 ईयर्स की तैयारी करें। मॉडल पेपर जो फ्रेश स्टूडेंट्स का था सेकेंड ईयर का वो देखें, और उसके अलावा जो लास्ट पेपर था उसको सबको टैली करें, और तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैच कर जाएंगे आपस में भी, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। ये नहीं है कि हर पेपर में अलग अलग सवाल हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपके खुद ही उसमें से मैच होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये है कि आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो तमाम जो गैस पेपर्स वगैरह हैं वो वीडियो के नीचे जाके आप देख सकते हैं कि मतलब इस चैनल पे आप देख सकते हैं तमाम गैस पेपर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने आप लोगों को मशवरा दे दिया, एक दफ़ा दोबारा बता दूँ अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो, कि इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म, जिनकी जो शॉर्ट टर्म में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक मशवरा है कि वो 5 ईयर्स को फॉलो करें, पेपर ईजी आ रहे हैं। और जो फ्रेश का जो पेपर था सेकेंड ईयर का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो और वो इम्प्रूव कर रहा है, तो उसके लिए मशवरा ये है कि वो उस पेपर को देखें जो फ्रेश स्टूडेंट ने पेपर दिया था, उसके अलावा वो 5 ईयर्स को फॉलो कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का मिला मिलू के इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा। और बाकी मेरी दुआ है आप लोग, आप सब के लिए, कि इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।